आम दिमाग हो ना अन दिमाग तो अन से ने नौकरी मतलब बड़ी बड़ी पोस्टिंग आ बड़ी बड़ी पोस्टिंग कुर्सी च जी मैं नौकरी को ने मा की कई डिपार्टमेंट कई कुर्सा च एक ही बता दियो है एक ही बता दियो कलेक्टर देख लियो आईपीएस ऑफिसर सच अरे मेरी सुन बड़ा बड़ा डॉक्टर सब लुगाया अरे वे तो नकली ड्यूटी से असली ड्यूटी पे था ना कुन मले कुन सी दो डिपार्टमेंट अच्छा जिम था ड्यूटी कुन मले कुन सी एक तो फायर ब्रिगेड आग बुझावा की कंपनी के अंदर था ना कदी नौकरी कुन मले ऑफिस में रहते हम बाटा रहते था ना नौकरी मले ही कोनी क्यों कुन मले बतो था तुम था ना तो आज तक दुनिया अगर हम आगे लगाई चुके हजार पानी कुन डोले तक ये बजे स्थान नौकरी कुन मले भी डिपार्टमेंट और एक दूसरा डिपार्टमेंट और है कौन सो पोस्टमैन की सर्विस बीमा क्यों मिले डॉक्टर बना देगा थाने मास्टर नहीं बना देगा लेकिन कदे थाने पोस्टमैन कौन बनाओ क्यों ते एक डिलीवरी ने पहुंचा बा में 9 महीना लगे दे थाने कौन पुदे लगो डोटी पे थाने बात खत्म करो मेरी बात सुनो ये छोटी मोटी नौकरियां छे तो बड़ी नौकरी कौन सी बड़ी पे तो मैं ही चा अच्छा तो में दिमाग है हां अच्छा पूरा दिमाग कतो दिमाग है ताना बता दे बता बता दिमाग कोई से नापा को थोड़ी चाहिए नापा कोई है आजकल तो हर आदमी को कैपेसिटी होती है पावर ब्लैंक मशीन में घुसाई और पूरा दिमाग बाहर आ जाए तो मशीन ले आओ फिर घुसार देख लियो तेरे में दिमाग को नहीं लेकिन क्यों दिख रहा है मेरे में दिमाग को नहीं तेरे में दिमाग नहीं है दिख रहा है काई दिख रही हो थारे दिख रही हो से काई मन काई सब नहीं दिख रही हो से काई बहुत सुंदर दिख रहा है मजा आ रहा है देखने में सही सही बता दो काई दिख रही हो भाई साहब दिख रही हो तने दिख रही हो सही बता दियो बच्चों आगो दिख रही हो अब पिटाई कर दियो सही बताओ काय दिख भगवान की सगन दिख रही हो बताओ काय दिख रही हो कान को झुमको और काय दिख को इलियों को थन दिमाग को ने थन दिमाग को ने उतनी सी बात कहता है तू घबरा के रे बारे काय दिख रही हो है अब मैं लुगाई जा चा घबरा तो हर कोई जाए ये बोल दे लुगाई नहीं तुम्हें दिमाग नहीं है मैं पूरा दिमाग और मेरे दिमाग की परीक्षा लेके देखना ओहो अव्वल नंबर है थका दिमाग की परीक्षा ले पूछ ले पूछू लाग तो कौन रिया लाग तो कौन रिया मतलब लग नहीं रहा मैं लाग कौन रहा भाई ते मारा सवाल का जवाब दे देगा एंड बेड लग रहे नीचे सु गई हैं ऊपर बीच में सु तूंद काट मिली है ऊपर सु टमाटर की जिया टिंडो दर में लियो जिया अयान को तो भेस लग रहे हो थको एक बात बताऊं कि तन चाहे मैं कैसा भी दिखूं लेकिन जिसको पसंद हो ना उसको दिल से पसंद हो कसम से पूछू हाँ पूछ सवाल हाँ पूछ पहलो सवाल जी जवाब सही दीजो बिल्कुल जवाब सही मिलेगा हाँ नहीं दियो ने हाँ। तो मोटियार हार जाएंगे एक बारी सुन कोई तो एक सवाल को एक जवाब दे अच्छा लेकिन बंदो दो दो जवाब देर जालो पक्की हाँ पक्की पहलो सवाल ऐसा कोई सवाल ऐसा कोई जवाब नहीं बना जिसमें ये लोग हंसेंगे नहीं और ऐसा कोई जवाब नहीं दिया मैंने जिसके अंदर ये दिल से ताली नहीं बजाएंगे पहली बात तो ये हाथ को कंट्रोल रखो नहीं तो अगर मेरा हाथ चल गया ये भी दिमाग का ही काम है अब मेरो दिमाग देख जो थी देखो भाई सब किए हैं दिमाग को काम घना आदमी की तो जुबान चाले कोई की जुबान चाले कोई को दिमाग चाले कोई को हाथ चाले कोई को पांव चाले कोई को कहीं चाले सब अपना अपना जुगाड़ चाले कोई बात को ना भी मेरा के चालेगा थान ठीक पड़ जाएगा हां पूछ पूछ पहला सवाल जी ईश्वर की सबसे अच्छी रचना कौन सी है राम रहीम बाबू आशाराम बापूर हनीप्रीत ये तो हसबा का डायलॉग है वैसे देखा जाए तो दुनिया के अंदर भगवान ने सबसे अच्छी सब सब सुंदर सुंदर रचनाएं करी है अच्छा। लेकिन कहते हैं कि जिसको याद है और जिसके है मौजूद या नहीं है लेकिन जो उसको दिल से सम्मान करता है वो है सबसे सुंदर दुनिया में जो कोई भगवान ने आविष्कार किया है जिस चीज को बनाया है रचना की है वो है सिर्फ इंसान की माँ माँ से बढ़कर दुनिया में कोई सुंदर रचना नहीं हुई आज तक समझ गई बात को क्या हुआ जॉब सही बच गई ताली बड़े से तो बात के थे था का तो कत्ते फोकस मला रखो चाहे आको तो ध्यान अंडी को ना अपना डी तो आको तो अंडी फोकस से छोरा को ऊपर अपना डी को झग पे बार अच्छा जीसू पूछ सबसे अच्छा फूल धतूरा को बढ़िया धतूरा को सुंदर दिखे भी है शाम के शंकर भगवान का चढ़ा दियो पड़बिया कहवे कि भाई कपास को फूल सबसे सुंदर रिया करे अच्छा सबसे अच्छी खुशबू दूसरा को पाद सूंघवा ते सूंघे छ भाई राम की सुगन ने या पाद एक सो प्रोडक्ट बनाई हो छे पाद एक ऐसा प्रोडक्ट है सात फेरा खार लुगाई लिया मां कसम खार कुछ पूरा परिवार ने छोड़ जाओगी
लेकिन उन जगह तो झूठी कसम खा जाओगे भाई, राम का बबलू का पापा, मैं तो खोपा दी रिजाई में तू ही पा दी हो भाई, मतलब आज सच्ची बात है। तो आ तो वही मजाक वाली बात कि भाई खुशबू सुगंध सबसे ज्यादा काई की हवे, तो मैं तो यहाँ मान लियो अति दूर खड़ा होने और मैठे सु अगर पा दियो ना तो मैं अंडे सुई काचो पड़ जाऊ यार, जिसे मैं पा दियो मतलब पादे वाला को मुंडो अलग दिखा करे, और सबसे पहले बास कुण ना आवे जो को पादे, या तो अच्छी खुशबू वाली बात। और वैसे देखा जाए तो अब लो अब बजेगी जवाब पे ताली। कहते हैं कि सुगंध दुनिया में हर प्रकार की होती है, फूल से खुशबू मिलती है, सेंट से, परफ्यूम से, ना जाने कितनी प्रकार की खुशबू होती है, लेकिन जो सुगंध की जहां बात होती है तो मेरी धरती माँ पे जब पहली बार बारिश होती है और इस मिट्टी से जो धीमी धीमी सुगंध निकलती है उससे बढ़कर कोई दुनिया में सुगंध नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरी माँ की सुगंध है। सबसे अच्छी मिठास लुगाया की मोटियारा की दुनिया की बताओ, लुगाया की तो एक दूसरे की चुगली करे जना मौज आवे मिठाई में आंख आपस में ना, और मोटियारा के एक मिनट रुक जाओ थे इतना क्यों सरियाओ किथे करो चुगली। और सुने मोटियार ने बताऊ कद आवे छे स्वाद, शाम की पाव पीर एक बोतल को काम करे, तेरी बहन की तेरी की बहन बहन नहीं तारी बहन की तारी की, शादी में डांस करूं यार मैं कहीं सकते तो। अरे फिर भाई साहब आगलो पिए तो पाओ और पावर कतरो दिखाओ को पूरी बोतल को, तेरी बहन चीची की तेरी की मम्मी की तेरी का मम्मी का तेरी का मम्मी का तारी मम्मी का तारी का आगे बात पची तारी मम्मी का थाई तारी मम्मी का थारी का काई पावा में डोक दे और काई सिस्टम से बनेड़ी बात आती है। माँ का बहन का नाम मत लिया करो, देखा जाए तो गाली में भी मिठास है, लेकिन कहते हैं कि जुबान से बड़ा मीठा दुनिया में कोई चीज नहीं है, जुबान ही सबसे बड़ी मीठी है। सबसे अच्छा दूध गंडकड़ी को पिया था नहीं पियो तो गंड लोग बाग खेवच भाई, गंडकड़ी का दूध बहुत पौष्टिक रहे। अच्छा ते पीरी बड़ा है उसी है, यो तो मजाक की बात से, लेकिन कहते हैं कि जिसने गंडक का दूध पी लिया ना, गंडकड़ी का, गंडक का नहीं मतलब गंडकड़ी का, जिसने गंडकड़ी का दूध पिया ना वो आज तक कहीं इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ। अच्छा हाँ ट्राई, लेकिन कहते हैं दुनिया में गाय भैंस दूध न जाने कितने अल्ट्राटेक पाउडर मिला करके पता नहीं क्या क्या प्रोटीन आता है साहब, इसको खाओ बॉडी बन जाएगी, इसको खिलाओ अपने बच्चे को, 3 साल का बच्चा है 35 साल का लगेगा, यहाँ कई प्रोडक्ट आवाज है, लेकिन भाई साहब कहते हैं अपनी माँ के आंचल से निकले हुए दूध उससे बढ़कर शुद्ध दूध दुनिया में हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी माँ के आंचल का दूध था, इसलिए से दूध तो वही है सत्य था। हाँ था पिया जब था, अब क्या ही तब काया पीता रहेगा बुढ़ापा में भी, तो थे कौन पे तो वो बालक टापर तो पिए, तो मेरा सबका दिखेगा थोड़ी, मैं तो मेरी माँ की बात कर रही हूँ। अच्छा तो तड़के थारी बेबी के भी कहा था ये तो था था। औरत मांग में सिंदूर क्यों डालती है, क्योंकि सब मोटेरान जान पड़ जाए भाई, पलाट के रजिस्ट्री हो चुकी, छेड़छाड़ी मत करो। मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं डालता, वो एक गौचरा है उसका आज तक कागज तैयार नहीं हुए, ऐसे ही रहता है सुना ही। अच्छा। रजिस्ट्री नहीं होती उसकी। दुल्हन के साथ में वरमाला के समय कुछ कुंवारी कुछ शादीशुदा महिलाएं क्यों होती है, जिस प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी होती है ना उसके आसपास खाली रजिस्टर्ड प्लॉट दिखाने पड़ते तब जाके रजिस्ट्री होती है, समझ गए। अब एक चीज पूछता हूँ आखिरी सवाल, आखिरी गायदा को तो पहलो भी यही नहीं आखिरी, अब पूछू याद क्यों खेच रहे जी मेरे, अब सुन घुमा फिरा के बात वही आएगी देखना, गौर करना शब्दों पे ना राधिका, ऐसी दुनिया में क्या चीज है। अच्छा। जिसको इंसान हो या लेडीज हो बच्चा हो कोई भी हो खा सकता है, चाट सकता है, गर्म कर सकता है, ठंडा कर सकता है, उसमें गोबर भर सकता है, उसको पानी भर सकता है, उसमें कचरा भर सकता है, उसको साफ कर सकता है, उसको शुद्ध कर सकता है और मजबूत कर सकता है, एक ही चीज है बता कौन है, कौन है तो मैं कौन, बाकी समझ है दिमाग, मेरे में दिमाग है, शुरू में भी बात आई ठार खत्म कर दी, समझ की बात तेरे में दिमाग नहीं है, अगर तुम दिमाग होता तो तू बता देती अब तक। चलिए एक काम और कर, इंडिया के अंदर कितने गेट है, दो, कौन कौन सा, इंडिया और दिल्ली, बस एक गेट और से, कौन सो, कोलगेट तारो बाप, वो भी इंडिया को ही था, कोलगेट कौन है दिमाग, कोलगेट मेरा बाप कौन, तो नहीं तेरो को नहीं, मेरे मोरो थो मेरो छो मेरो छो, वो भी मेरो बाप छे तो वो भी तेरो बाप छे, पूछ क्यों, क्योंकि मेरा बाप तेरा बाप, ससुर जा ससुर जी, ससुर तेरा डोकरा तो मेरा डोकरा हो सकता है, मेरा डोकरा तेरा डोकरा नहीं हो सकता, होगी। एक चीज और, दुनिया में कितने प्रकार के कोर्ट की मान्यता है, ब्लैक, ये क्या होता है, कालो, दोड़ो, खाकी, यानी कि वकील, डॉक्टर और पुलिस, तीन की, और चौथा एक और है, कौन सो, साड़ी के नीचे पहना जाता है पेटी कोट, वो भी कोर्ट में आता है,
आखिरी एंड अंतिम सवाल, दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको महिलाएं बड़े प्यार से पहनती है और बड़े प्यार से लवली लवली स्टाइल में खाती है? लौंग जूती खाओ भी चर पैर भी जो सफेद सफेद सफेद। आइए एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। आखिरी करता करता चार सवाल पूछ लिया, यही तो दिमाग है आदमी। इसीलिए तो इंडिया की आबादी इतनी हो गई। भारत सरकार कहती है हम दो हमारे दो, लेकिन भाई जाके ट्राई करो साथ साथ में लगा एक घर में। ये तो है इंडिया का सिस्टम। अरे जे हाँ एक बार और कर लिया अपना, पता नहीं आगे फिर मौको मिले कौन मिले। क्यों मरेगी कहीं ये चल जाएगी वैक्सीन लगवा मिली जाने सबने। तू थारी कर मैं तो लगवा रखी हूँ। हाँ तो तू भी ना मरे। हाँ जब बोलो कर लियो कहीं होगो फोन करता है नीचे रोकाड़ो हाथ तो खड़ो कर लियो। अरे तल दुकान यहाँ पांके बुद्धि ने पचाड़ी रहे थे माथा पे आन पहले खैब कर भाई काई करनो चे तू कड़े कड़ा चुग और कोई ने घुसा मत दुआ दी जो आपस में उड़े बैठी बैठी। हाँ बोलिए जगदम्बा भवानी की। क्या बात है क्या बात है, बड़ा जोर लगायो भगवान की कसम। राम जी महाराज अगर ये इंडिया सरकार लुगाई ने दे दे तो पाटो पाटो साफ कर दे भाई। पाटो पाटो कौन करा मैं इंडिया का दाई वहां पहुंचा दे जगत कौन है जग। तू तो बोली बल बला जी महाराज की तो ही वो करे क्या था का देखा मर्द इज मर्द। बोली बालाजी महाराज की। एक यहाँ जन कोई आकाश में बादलों फैटियस बेटी का बाप की ये तो स्टाइल होती है। आइए थैंक यू।